हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज का टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। कल कम्युनिटी पोस्ट पर मैंने पूछा था कि मैं किस टॉपिक पे अगला वीडियो बनाऊं, तो सबसे ज्यादा वोट इसी को मिले थे। तो इसी के बारे में आज बात करते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या फिर है क्या। जैसे कि नाम से पता चलता है, ईटीसी इज अ सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ईटीसी मैंने लिख दिया है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन शॉर्ट में, इज अ सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। मतलब कि किसी मॉलिक्यूल्स का ग्रुप है, उसको हम कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं। ठीक, इट इज अ सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस दैट ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉन डोनर्स टू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। इसका मतलब सिंपल सा ये है, एक इलेक्ट्रॉन डोनर है, वो एक चेन में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन रिसीवर है जो रिसीव कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को। उनके बारे में बात करेंगे, कौन सा डोनर है कौन सा रिसीवर है बाद में। सिंपल इसकी डेफिनेशन, एक इलेक्ट्रॉन डोनर से इलेक्ट्रॉन रिसीवर, एक ऐसी चेन है वाया रेडॉक्स रिएक्शंस। यानी कि इस चेन में जितनी भी रिएक्शंस होनी है वो कैसी हैं, रेडॉक्स रिएक्शंस के जरिए इलेक्ट्रॉन डोनर से इलेक्ट्रॉन रिसीवर तक पहुंच रहा है इलेक्ट्रॉन। एंड कपल्स दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट विद द ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन्स। इसका मतलब ये है, हमने अब से पहले क्लासेस में पढ़ा होगा, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन। प्रोटॉन को एच प्लस डिनोट करते हैं, इसी को प्रोटॉन कहते हैं, कभी कंफ्यूज हो जाओ। तो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं। अब यहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, साथ में क्या ट्रांसफर होंगे, प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स भी साथ साथ ट्रांसफर होंगे। अब इनका मूवमेंट दोनों का थोड़ा अलग अलग होगा, वो हम पढ़ेंगे इसके चेन में, इसके रिएक्शन में कैसे कैसे होते हैं। तो इस वीडियो में बने रहिए क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। या आफ्टर डेफिनेशन हम अगर बात करें थोड़ा सा इसमें अंदर घुसने की, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इसमें चार कॉम्प्लेक्स होते हैं, चार कॉम्प्लेक्स होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स मिला के एक कॉम्प्लेक्स बनता है। टोटल चार कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनके नंबर न्यू रोमन्स में दिए गए हैं, कॉम्प्लेक्स वन सेकेंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, तो इन चारों के नेम, पहले का है NADH डिहाइड्रोजिनेज, द सेकेंड वन इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, थर्ड वन साइटोक्रोम रिडक्टेज, एंड फोर्थ वन साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। इनके वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं, इन्हीं से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनता है। तो इनके वर्क याद, इनका फंक्शन याद करने के लिए बहुत सिंपल ट्रिक है, इनके नाम से ही इनके फंक्शन का पता चलता है हमें। अब वो कैसे, मैं कहता हूं यहां पे इसका नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेज, NADH डिहाइड्रो, डिहाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन का निकलना या प्रोटॉन का निकलना। तो NADH हमारे पास यहां मौजूद है, इसमें से हाइड्रोजन निकाल दिया, ये बचेगा NAD+। तो इसी एंजाइम का नाम NADH डिहाइड्रोजिनेज रखा है, NADH में से हाइड्रोजन निकाल दिया, यानी डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का नाम है, और इसी बना देगा NADH। तो इसका फंक्शन हमें बहुत इजीली पता चलेगा। कॉम्प्लेक्स सेकंड, ठीक है, ये आता है क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल में ये क्या करता है, सक्सिनेट को फ्यूमरेट में कन्वर्ट कर देता है। अगर क्रेब्स साइकिल की वीडियो आपने नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके देख लीजिए, क्योंकि इसमें इस ईटीसी को समझने के लिए आपको क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस और बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स की वीडियो देखना जरूरी है, क्योंकि ये NADH, FADH और ये सब वहीं से आते हैं, वो कैसे बनते हैं आपको वहां पता चल जाएगा। तो इसका नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट में से ये डिहाइड्रोजिनेशन करेगा और फ्यूमरेट बना देगा, और यहां क्या निकलेगा, FADH2, ये हाइड्रोजन यहां आ जाएगा प्रोटॉन। तो इसका सिंपल सा बात यह है, कॉम्प्लेक्स थर्ड जो है हमारा, इसका नाम है साइटोक्रोम रिडक्टेज, यानी कि ये क्या करेगा, साइटोक्रोम को रिड्यूस करेगा। इसका भी सिंपल सा फंक्शन है, इसका दूसरा नाम है क्यू साइटोक्रोम सी ऑक्सीडो रिडक्टेज। कॉम्प्लेक्स वन का भी दूसरा नाम है NADH ऑक्सीडो रिडक्टेज, जो था चाहो याद रख लो। अब यहां पर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स थर्ड में तीन, हमारे पास तीन जो इसके छोटे छोटे ग्रुप होते हैं, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C, ये तीन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। कॉम्प्लेक्स फोर की अगर बात करें, इसका नाम है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। तो ये जो साइटोक्रोम सी है ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा और ऑक्सीजन को प्रोटॉन के साथ मिला के रिड्यूस करके वाटर बना देगा। वो आगे पढ़ेंगे कैसे होता है,
ठीक है। तो ये चार कॉम्प्लेक्स हैं, ये इनके मैंने नाम बता दिए, इनके फंक्शंस इनके नाम से याद रखे जा सकते हैं। अब चलते हैं आगे, चेन जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसमें कैसे वर्क करता है, उसका फंक्शनिंग, उसकी कैसे ट्रांसफर कैसे हो रहे इलेक्ट्रॉन। इसमें जरा सी एक बात और बता दूं, इनका मेन जो काम है कॉम्प्लेक्सेस का वो ये है, वो इस NADH से इलेक्ट्रॉन लेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा, इसको ट्रांसफर कर देगा सेकंड कॉम्प्लेक्स में, यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा, इनको मिला के ट्रांसफर कर देगा इनके पास में, यहां जाएगा और इन दोनों से जाएगा साइटोक्रोम सी के पास में, यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा ट्रांसफर कर देगा इधर, यहां से इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी यूज करेगा, वाटर बना देगा और एटीपी सिंथेसिस में चला जाएगा। तो बेसिकली इनका काम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करना ही है। तो वो देखते हैं कैसे होता है।